उन्नाव में झाड़ी शाह बाबा मैदान में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का लगातार 18 दिसंबर से धरना जारी है। बता दें ये धरना पुलिस के गलत काम के खिलाफ है, जिसका ज्ञापन अब जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। बता दें कि किसानों की मांगों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, क्योंकि कोतवाल साहब भी मिले हुए हैं पूरी तरीके से। हमको 8 महीने से आश्वासन मिल रहा है सभी अधिकारियों, डीएम से, कप्तान से, सिटी मजिस्ट्रेट से और जिला वो तहसीलदार वो लेक से सभी से मिल रहा है कि आश्वासन किए लगातार आप हो जाएगा। होते होते बहुत दिन हो गए और उस काम को आज फेल कर दिया गया। बोले कि अब ये नहीं हो सकता, वो कोर्ट में चला गया। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर? हम लोग आज चौथा दिन है, चौथे दिन से यहाँ कोई पूछने नहीं आया। कुतवाल एक कुतवाल हमारी कुतवाली की हम लोग 10-10 फोन किए, बात किए कि बात करो, हमारे लोगों की समस्या हल करो। एक महीने पे 2-2 मुकदमे लिखे महिला ने लिखवाए, आज भी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार हम लोग धरने पे हैं, कोई हम अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आया। समस्या रोली है जिसमें हमारी पुलिस और कप्तान साहब हमारी सुनने को तैयार नहीं है। उसको न्याय नहीं मिला, वो घर से बेघर घूम रही है, वो आत्मदाह करने की तैयारी में लगी है। हम लोग उसे बचाना चाह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है पारिवारिक मामला है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मामला है उसकी बहन चचिया सास ने उसे घर से निकाल दिया। अच्छा। उसका हिस्सा है उस घर में, मकान उसने बनाया, जमीन चचिया सास की है, उसके बदले 15-20 जमीन चचिया सास ने ले रखी है। अब कह रहा प्रशासन कि तुम अपनी 15-20 जमीन वापस ले लो। वो महिला कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मार दो और या तो हम का मरे का आदेश दे दो कि हम आत्मदाह कर लें, हमारा अगर घर नहीं दिलवा पा रहा है तो हमें मरे खातिर आदेशित कर दे। हम लोग उसकी जान बचाने के लिए धरना लगाए हुए हैं। किसानों की अन्य तमाम समस्याएं हैं जो हमारे ज्ञापन पे हैं। अगर प्रशासन ध्यान दे कौन चीज का तो ध्यान दे, ये बेघर महिला घूम रही है। आपका कहने का मतलब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए? हाँ, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए है। कोतवाल कह रहा है कि हम मुकदमा लिख देते अगर किसी का होता। ये जब कप्तान साहब आदेशित करेंगे कि कोतवाल अनिल सिंह, ब्रजेश राय दरोगा, जिनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है, उनके ऊपर मुकदमा तो कप्तान साहब लिखवा सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। उन्नाव से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।